तो सबसे मज़े की बात है कि ये हमारा ना ऐसे यहाँ पर फोल्ड होता है दरवाज़ा, तो अगर इसको पूरा खोलेंगे इस तरह और अगर इसको खोलकर इधर करेंगे तो जो इनका घर है ना, इनके घर के सामने ये हमारा दरवाज़ा आ जाएगा। यानी कि वो जब खोलेंगे तो वो डर जाएंगे कि भैया और एक दरवाज़ा कहाँ से आ गया। तो रंगोली का जुगाड़ कुछ इस तरह शुरुआत उसकी ऐसी है, हम यहाँ पर रंगोली करने वाले हैं और हम करने वाले हैं इस तरफ, इस जगह पर रंगोली जहाँ पर आपको शायद हल्के हल्के में चौक के थोड़े बहुत प्रिंट्स दिखाई दे रहे होंगे। अब साथ साथ रात का डिनर भी तैयार कर रहे हैं, कुछ तो प्रसाद में भी जाएगा और कुछ हम बांटेंगे भी। और ये साथ साथ इसलिए चल रहा है क्योंकि दोनों काम शाम तक खत्म करना है। देखिए अभी 3 बज गए हैं, एक बार झलक देख लेते हैं कि नेहा अभी कहाँ तक पहुँची है। यहाँ तक करना है पूरा, यहाँ तक, यहाँ तक। तो मिक्स कलर करो, कोई दूसरा कलर डालो इसमें। कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। बस थक गई, वजन बढ़ा है। वो तो तुम्हारा नहीं, जोक नहीं था, रियलिटी है, बट वो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन है। ऐसे बैठ सकती है, मैं बैठ सकती। देखिए ये सर पे क्या बांधी है, ये शाम को दिखेगा इसका असर क्या होता है। ये जो सब सेट करना पड़ता है। मैंने ये बनाया, ये दोनों, ये नेहा ने बनाया था। पता तो चले कि मैं क्या कर रही हूँ, वरना सबको लगेगा कि बस ऐसे कैमरे के सामने कुछ भी कर रही है, ऐसे कुछ भी कर रही है। अच्छा तो 45 मिनट्स के जद्दोजहद के बाद ये कुछ इस तरह बन गया है। इसमें थोड़ा सा और फिनिशिंग बाकी है और हमने इवन की नट्टू को भी शामिल किया है कि वो भी थोड़ा बहुत इसमें अपना योगदान दे। मीनवाइल मीठा तैयार है, ये खीर बना हुआ है। मैंने यहाँ पर दलिया और मखाने का यूज़ किया है। क्या कर रही है? बता ही दे। चाय बन रहा है तुम लोगों के लिए, तुम लोग पियोगे, मैं चाय नहीं पीती। ये जो चाय बनानी, हम में से कोई चाय नहीं पीता। ये आज कुछ की है सुबह ऐसा कि जिस वजह से चाय पत्ती बच गया है, तो जबरदस्ती हमें चाय पिला रही है। ओके बस। तो वेस्ट क्यों जाएगा, एक बार और चाय बन जाएगा ना, थोड़ा सा और पत्ती डालकर। देखा, ये चाय पत्तियाँ पौधों में डलती है, ये जबरदस्ती पिला रही है। सुबह हो गया है पौधों में डालने वाला काम। पानी, उसका पानी डालना। अरे इसमें दूध देना है ना। सच्ची कसम से मैं चाय बनाती नहीं हूँ, पता ही नहीं। मत कर आलिया भट्ट, तो नहीं बनना है तेको। बनना बनता कैसे सब पता है। देखिए यह है कड़क चाय, इसमें चाय पत्ती कम, आपको जड़ी बूटियां तड़पते हैं ऐसे चाय पीने के लिए, समझी ना। हैप्पी दिवाली आद्या की तरफ से और आद्या के मोजो के चैनल की तरफ से। और ये आखिरी पड़ाव डिनर का। मीन टाइम कुछ ना कुछ करते करते ना, उधर का काम भी और इधर का काम भी करते करते दोनों बिल्कुल सही वक्त पे ख़त्म हो गया है। भगवान की पूजा हो चुकी है, अब हम चल गए हैं मंदिर की ओर। ये मंदिर में माता को आरती दिखा रहे हैं। मेरा ये दिल से विश्वास है कि हर दिवाली पर मैं मंदिर में ज़रूर जाती हूँ, वहाँ पर दिया जलाती हूँ और ऐसा लगता है कि मानो मैंने आपके यहाँ दिया जला दिया, अब मेरे घर पर और मेरे तकदीर में भी उजाले से भर दो। वैसे तो भगवान हर जगह पर है, फिर भी एक मन की सांत्वना होती है कि मंदिर में भगवान के दर्शन ज़रूर करने हैं। और ख़ास कर ये रिवाज भी है कि धनतेरस में हम झाड़ू खरीदते हैं दो, एक हम घर के लिए यूज़ के लिए रखते हैं और एक हम मंदिर में दान करते हैं। तो एक और वजह भी है दिवाली के दिन मंदिर जाने की। और ये हमारी माता, ले लो भैया आप सब भी आशीर्वाद ले लो, खुल कर सबको देती है वो। वो हाँ बारी है एंजॉयमेंट की,
सबसे पहले तो हमारे ही सोसाइटी के एक और बिल्डिंग में हम गए जहाँ पर इतनी अच्छी रंगोली बनाई गई थी। आप दिखोगे कर दिया ना उधर, आपका भी कर दिया, आप चौकीदारी कर रहे हो ना इस रंगोली की। और ये उसी बिल्डिंग की लाइटिंग और ये हमारे बिल्डिंग की लाइटिंग सेम है ना। ये लोग जुड़वा बहने हैं एक्चुअली ये दोनों बिल्डिंग। तो मतलब उसको गार्ड करने के लिए आपने चेयर ऐसे रख दिया है? उसको गार्ड करने के लिए चेयर ऐसे रखा है? यहाँ पे आदमी लोग बहुत चार पांच लोग साथ में जा रहे हैं, इसलिए मुझे देखने का मुझे भी लगा दिया। ये सही है, ये से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दिया नहीं लगाया हुआ है, मिसिंग है ना। हाँ, वो अच्छा लग रहा है, पूरे फूल वूल से सजा दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ऐसे वाले आते हैं, ये बच्चों वाला है जो ये करेगी। क्या चल रहा है यहाँ पे, सब अपना गुस्सा दिखा रहे हो क्या? दिवाली पे यहाँ के मार्केट का एक बार मुआयना करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइटिंग होती है, लेकिन हम ज़्यादा कर भी नहीं पाए, ज़्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि टोटो की तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा कफ के बीच और खांसी छींक के बीच फंसा हुआ है। तो हम सब ने भी यही सोचा कि बेटर है कि ज़्यादा बाहर ना घूमा जाए और सोसाइटी के अंदर ही इस बार दिवाली को एंजॉय किया जाए। पंडित जय बाबू, हाँ फोड़ दिया। जल्दी चलेगा ऐसे। और पटाखे फोड़ने का इससे ज्यादा रिलैक्स और बिंदास तरीका शायद ही आपने देखा होगा। अरे बबुल, अरे फोड़े खास। और जरा तैयारी देखिए, ये हमारे ही बिल्डिंग के एक घर से इतने सारे पटाखे नीचे लाए गए हैं, अब इनको ये लोग फोड़ने वाले हैं। ये बंदा इतना बड़ा कार्टन लाया है, सब अकेले खत्म करने वाला। नहीं, भाभी ने बताया कि पूरा घर आने वाला। अच्छा, पूरा घर आने वाला, थैंक गॉड, वरना इसको सुबह हो जाएगी यार, पूरा कार्टन खत्म करते हैं। स्टार्टर। और ये बड़े जोर शोर के साथ शुरुआत हो चुकी है। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, हम सब यहाँ पर खड़े होकर यही देख रहे हैं कि नेक्स्ट इसके पास कौन सा है। ये ऐसा परफॉर्मर है जो बताते हैं, सस्पेंस में है।
मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे शूट करना है, लेकिन ये कौन सा ये बॉम्ब फोड़ने वाला है कि फुलझड़ी है कि क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कैमरा छोड़कर, शूटिंग छोड़कर अपने कान बंद करने में लगी हुई हूँ। बाद में चलता है क्या, नहीं है तो कुछ झुरझुर 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 हो रहा है। अब की बार हमें पता चल गया है कि ये स्काई शॉट वाला बॉम्ब है। बॉम्ब नहीं बोल सकते ना, जा सकती हो। इसके पहले मेरा कैमरा स्काई पे। तुमने ये भी मजा लिया। क्या पकड़ा है मैंने। तो बहुत सालों बाद खुलकर मैंने इतना दिवाली एंजॉय किया है। हालांकि कोरोना के लिए लगभग सब बंद ही था। आपका साथ यहां तक मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही साथ बनाए रखे इस ब्लॉग के लिए, अंत तक आने के लिए, प्लस आने वाले कई ब्लॉग्स में युगों युगों तक चलने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। दिवाली पर मेरी सोच बहुत बदल रही है, बहुत पॉजिटिव हो रही है। हैप्पी दिवाली सभी को। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और ये मैडम के करली करली बाल कैसे हुए, वो सर पे वो फीता बांध कर, कफन था वो। हे प्रभु, कफन बांधने के बाद कफन बांध कर ऐसे लगते हैं ना तुम, मजा आ जाए। सर पे कफन बांधे हम चले, चलना जा। बाबू बाय करो। हाय। बोले हैप्पी दिवाली। हैप्पी